तक दरख्त है ये ऑलमोस्ट 1500 एकड़ है। वो 1500 एकड़ हाँ जी, तो ये जो ना यहाँ एंट्री आपको दिखाता हूँ, हम तो यहाँ शिकार के लिए गए हुए ना, यहाँ से अच्छा वो तीतर के शिकार के, अच्छा तो अच्छा ठीक ठीक उनके साथ टाइम बनाना पड़ता है ना। और साथ ही अल्कट्राज जो कि इनका फेमस प्रिजन है, जिसमें सिर्फ एक दफ़ा सिर्फ ब्रेक इन हुआ है, वो उसका भी हमें यहाँ से व्यू नज़र आएगा। मैं स्पेशली उसके लिए आया हूँ, अभी हम जा रहे हैं। पाकिस्तानी है, हाँ जी पाकिस्तानी और शालीमार बिल्कुल पाकिस्तानी, तो आ देखो इतने चिली उससे आगे हो जाए। सैन फ्रांसिस्को का डे ट्रिप विद मकसूद साहब, ये बाबर भाई हमें फर्दर गाइड करते हैं। अभी हम बाबर भाई जी, आज का क्या प्लान है? आज का हमारा सैन फ्रांसिस्को का प्रोग्राम है, हमारे मेज़बान हाजी मकसूद अहमद साहब हैं वील मार्ट से, और टैडी ने चौधरी सीरीज साहब ने उनको सारा अरेंज किया है, सारी अरेंजमेंट। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, आपको दिखाएंगे साथ साथ। चलें जी, लेट्स गो। पंजाबी लाइक करते हैं कि जिस तरह मर्जी बोलो, वैसे जी जी बोलो, तुसी इंग्लिश भी बोल सकते हो, तुसी जेड़ा बोलो। असी अच्छा आ जी ना इथो इथो जेड़ा ना सिद्धा जेड़ा छोटा बंदा दा दे ने कहा। हां जी वो दरता ता जी 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 पाकिस्तानी बंदा है जेडी ए मोची दा सिद्धा जी, मेरा नेबी भी है ए राइस ते जेड़ा ना सारा ओदा ने ए नु सरोवर ने इथे बहुत तक। अच्छा जबरदस्त राणा फैमिली ने आता है के जी जी पाकिस्तान तो ये है के इधर ये गुजरात साइड पे। ए माशाल्लाह देखें, ये राइस की है इनकी काश, यहां पे राइस फील्ड है और वो एंड तक जो है आपको शायद नजर नहीं आ रहा है तरफ। जी जी बोलो। यहां तक दरख्त है ना, ये ऑलमोस्ट 1500 एकड़ है। वो 1500 एकड़। हां जी, तो ये जो ना यहां एंट्री आपको दिखाता हूं, हम तो यहां शिकार के लिए गए हुए ना, यहां से तीतर के शिकार के। अच्छा अच्छा ठीक ठीक तो के साथ टाइम बनाना पड़ता है ना। जी 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 बहुत नाइस फैमिली है। ये यहां से इनकी एंट्री है, ये तो पीछे जहां तक दरख्त है ना वो। हां जी हां जी, ये सारी ये चावल की काश थी। हाँ जी हाँ जी, ये जो उनके ट्रक जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा पीछे ये जो दोनों तरफ ही जाते जाओ और ये आगे तक वो वहां तक हाँ, सेम सिमेट्री जाती इधर सारा पीछे और वाइड हो जाता। हाँ जी मैं। अच्छा सही सही, बहुत ज्यादा इनका शिकार है। ये जी आगे डेवर शहर आ गया, यहाँ की एग्रीकल मेडिकल दोनों ही बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट आते हैं यहाँ। ये जो आगे शहर आ रहा है, ये हम उस शहर में इंटर हो चुके आगे ये जी हमने तारुफ नहीं कराया, सॉरी हम सुबह आए हैं, ये मकसूद भाई हैं, इनको मकसूद अंकल नहीं कहना। तो ये बाबर भाई ने स्पेशली कहा है, तो इनका ये हमें टूर करा रहे हैं। ये बाबर भाई के भी फ्रेंड हैं, अंकल के तो बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, तो स्पेशली जो हमारा सैक्रामेंटो का जो सारा कुछ है वो अंकल ने, बहुत मज़ा आया। 3 दिन हो गए, उन्होंने अपने सारे जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी जो यहाँ पे सिटिंग गैदरिंग होती है वो हमें दिखाई। कल हमने लंच मिस किया, लंच पे मैं अपना इक्विपमेंट ही लेके गया था, तो कल बहुत मज़ा आया, हमने फिश खाई, दैट वॉज़ वेरी अमेजिंग। और उसके बाद फिर अब ये हमें SF लेके जा रही, क्योंकि इनको काफ़ी इधर जगह पता है, तो ही वांटेड टू टेक अस देयर। तो अभी हम इनके साथ जा रहे हैं और साथ साथ ही हमें अपनी जो है ना चीज़ें बता रहे हैं जो यहाँ पे नॉन और जो बड़ी चीज़ें हैं। ये शहर सिटी जो हो गया जी आगे, ये डेविस डेविस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो डालो तो पता चलेगा कि ये क्या है। ये बोर्ड पे आ गया यहाँ पे, डाउनटाउन डेविस, ये राइट साइड पे सारे सीरीज।
भी है, मोस्टली दोनों तरफ ही है, मोस्टली इधर डाउनटाउन साइड दरिया दरी यूनिवर्सिटी भी आपको दिखाते हैं आगे जाके यूनिवर्सिटी के काम लाइक जो है ना अमेरिका की जो जो प्रोड्यूस हैं 50% ज़रूरियात जो है एग्रीकल्चर की वो कैलिफोर्निया पूरी करती है अकेली बाय इटसेल्फ, तो उसमें से जो उसकी कैलिफोर्निया की भी जो 80% है वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया करती है सर। साउथ कैलिफोर्निया में माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, एलए, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो वगैरह है, ये तो एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी है वो नॉर्थ वो लोगों की बाकी चीज़ें पूरी करते हैं तफरीहात और जो उनके बीच बीच का बाकी ये सारे जी बिल्कुल ये सारे सब्सक्राइब के लिए और ये भी काफी जमीन पे है ना कि हां जी वो बने हुए ग्रीन हाउसेस बने हुए उधर ये सारा यूनिवर्सिटी का नया बाग लगा हुआ है इस दफा भी लगे होंगे दो तीन साल पुराना है ये देखिए अगर आपको नजर आए इन ट्रीज के पीछे जो है ये पूरा पहाड़ी का सिलसिला ऐसे जा रहा है कैलिफोर्निया मुझे ये बड़ी इनकी ब्यूटी लगी है कि इस तरह आप कहीं जाएंगे तो आपको जब हम एरिजोना से आ रहे थे तो वहाँ पे वो डेजर्ट था लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ड्राई पहाड़ और इस तरह थे लेकिन फिर आए तो ग्रीनरी शुरू हो गई तो अभी ये देखें इनके बैकग्राउंड में जो है ना आपको नज़र आएगा कि जो हॉरिजन है उसके ऊपर इस तरह बने हुए हैं और बाबर में जिस तरह बता रहे थे कि पूरा जो सेक्रीमेंट हो गया उसकी चारों तरफ जो है ना वो गली टाइप है कि हर तरफ डिफरेंट पहाड़ है ऐसे ये वो रोड लगे हुए हैं वैसे तो इनकी एक और स्टेट है उसमें ज्यादा होते हैं लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से भी पाकिस्तान में जो मिलते हैं ना वो ये सब यहाँ पे बागात नहीं है बहुत बड़े बड़े बागात हैं छोटे नहीं हमारी तरह नहीं है कि मुरब्बा भी लगा हो तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ी है ये मतलब इकट्ठी होती है इनकी ये छोटी पहलियां भी नहीं बनाते ये कबल शहर है ये हम जब से चले हैं ना ये तीसरा शहर है सैक्रामेंटो के बाद हाँ जी यूडल की वाली बात है हमें हर तरह की जो है ना जो बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है ना मिल रही है इतनी ब्यूटीफुल है घास लगा हुआ है और ऊपर ट्रीज है जुलाई अगस्त सितंबर तक ऐसे ही रहना अक्टूबर नवंबर में जब फिर मौसम ठीक होगा ये वाला राइट साइड पे ये ब्लू शहर है ये वाला ये पांचवा शहर सैक्रामेंटो के पास सैन फ्रांसिस्को की तरफ जब आते हो ना तो ये पांचवा शहर है ब्लू और ये सिक्स फ्लैग है इसमें राइड वगैरह बच्चों के लिए काफी कुछ चाहिए उधर जाओ ना आप उधर चलना है ये यूएस तो ये मशहूर है ये जो म्यूजियम पार्क्स और इस तरह की राइड्स और इनके लिए हाँ ये राइड बच्चों के लिए आजकल ये काफी बिजी है छोटे में बात हो जाता है कि गर्मी है ये जो अगला बोल रहा है ये उन्होंने उस बोल की जो गोल्डन ब्रिज है ना उसकी कॉपी की है तो ये नया बना है अभी 10 साल हो गए इसे ये पहले आपको पहले वैसा ही था जैसे वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना ये आपको इस साइड पे जा रही है तो उस साइड वाला अभी पुराना चल रहा है जब हम आए थे इसके सिर्फ 75 सेंट थे रजिस्टर टैक्सेस का अब जरा 6-7 डॉलर ऐसा ही था जैसे वो अब ये नया बन गया ये उसकी कॉपी की हुई है गोल्ड पहले ऐसा ही था जैसे हुआ ना ये दरिया आगे चला जाता है ये सैक्रामेंटो रिवर यही जाके सैक्रामेंटो के करीब से होता है सैक्रामेंटो चीज पे से होता है
के अंदर क्या ये हम सैन फ्रांसिस्को के सबब्स में आ गए हैं, शुरू हो गया यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले आएगी और साथ ही जो है ना अगर देखें हाँ माइल के बाद ये इनका मेरे ख्याल स्टेडियम आ गया है यहाँ पे ये बर्कले शहर जो शहर है हाँ जी बर्कले लेफ्ट हैंड अच्छा ये बर्कले शहर आ गया ठीक और यहाँ पे से वो नजर आ रहा था थोड़ा सा स्लश टाइप शोर भी यहाँ पे का शुरू हो गया है और आगे जो है वहाँ पे बड़ी टॉल बिल्डिंग्स जो है इनकी जो हाई राइज है डाउन टाउन का वो ना भी नज़र आता है और भी आगे चलते हैं तो देखते हैं कैसे यहाँ से क्लियर नज़र आता होता है वो गोल्डन ब्रिज और वो देखो ना बिल्कुल और उसके वो बादलों की वजह से नजर नहीं आ रहा है वो उसका पिलर एक नजर आ रहा है ये सामने जी बे ब्रिज है वो पीछे डाउनटाउन है सैन फ्रांसिस्को का और वो जो बादलों में आज शायद नजर ना आ रहा उसके जो है ना वो वहाँ पे गोल्डन ब्रिज है ये लॉर्स है इसके आगे फिर वे ब्रिज ये सारा वे ब्रिज ही है इसके सेंटर में एक पहाड़ी आती है उसके आगे फिर उसे बड़े वाला पुल आएगा उससे भी बड़ा है ये वाला ये बे ब्रिज है उधर हम उसे राइट टर्न होके नीचे आए और यहाँ से जबरदस्त जो है स्काईलाइन जो जिसको स्काईलाइन कह रहा हूँ जो डाउनटाउन की लाइन है वो पूरा यहाँ से नजर आता है और साथ ही अल्कट्राज जो कि इनका फेमस प्रिजन है जिसमें सिर्फ एक दफा सिर्फ ब्रेक इन हुआ है वो उसका भी हमें यहाँ से व्यू नजर आएगा मैं स्पेशली उसके लिए आया हूँ तो साथ ये भी मुझे नजर आया कि यहाँ से बे ब्रिज का और जो डाउनटाउन है उसका बड़ा जबरदस्त व्यू आ रहा है तो ये हमें मकसूद साहब का फायदा है कि ही नोज इन एंड आउट और उनको पता है कि कौन से पॉइंट्स हैं एंड आई डिडंट न्यू कि इट विल कम अप विद वो इतना मजे का पॉइंट निकलेगा ये जो बे ब्रिज है ये तकरीबन 1 माइल से ज़्यादा बड़ा है और सामने ये डाउनटाउन का एरिया है पूरा सैन फ्रांसिस्को का और अगर सामने देखें तो उस साइड के ऊपर जो है वो अल्कट्राज प्रिजन है जो कि एक आइलैंड है इटसेल्फ और ये बड़ा मशहूर प्रिजन है बहुत अरसा पहले जो है इसको जो है ये बहुत ज़्यादा जो डेंजरस क्रिमिनल्स होते थे उनको वहाँ पर रखा जाता था और डेफिनेटली अभी बहुत ठंडा है वहाँ पर बड़ी ठंडी हवा आ रही है हम जा रहे हैं बाबर भाई और मकसूद साहब तो गाड़ी में बैठ गए हैं तो मेरे भी जो है वो हाथ पांव ठंडे हो गए हैं तो मैं अब इसलिए वापस जा रहा हूँ हमने आगे भी जाना है तो लेट्स कंटिन्यू और अमेजिंग अभी तक जो कैलिफोर्निया इट हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट बहुत सारी वर्सटाइल लैंड है एग्रीकल्चर के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से सो ये भी ये तो बहुत नोन है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सैन फ्रांसिस्को में पड़े हुए हैं तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पिक्चर्स सम वीडियोस सो बट इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस देखो कितना लंबा मोर देन माइल है ये
रोड पे हम आ गए। बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, देखो विक्टोरियन स्टाइल। ये वो म्यूजियम लग रहा है यार। वो जो बिल्डिंग है वहां प्रिंट होते थे डॉलर। अच्छा ये इनका ट्रेजरी की बिल्डिंग होगी। हां और ये है सिटी हां सैन फ्रांसिस्को अभी क्या हो? ये बिल्डिंग उन्होंने वो इसके नीचे को दिया था तो कोई प्रूफ बना था। ये डाउनटाउन की तरफ जा रही है और ये मेरे खड़े सामने भी ऐसे ही। सिटी हॉल की बिल्डिंग है और ये जो स्क्वायर है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके अंदर जो है अगर आप सामने देखें तो वहाँ पे एक स्टैचू है जो काफ़ी दूर है और वो हमें अभी नज़र नहीं आएगा उसका। तो ये बेसिकली सारा इधर सामने इसकी पिछली साइड पे डाउनटाउन है, बल्कि इधर पीछे जाएँ तो ये भी बे एरिया आ जाता है और जो अगर हम आगे की साइड पर जाएँ तो उधर हिल्स और उनका एरिया है तो वो सारा देखने वाला है। तो अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है तो वी विल बी मूविंग ऑन और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ठंडी हवा है, मतलब कि आप ये समझ लें कि इट इज़ वेरी इट्स नियर 60s और हम अभी 115 से आए हैं एरिजोना से, तो ये टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है और इट्स टोटली डिफरेंट। टाइम हो जाना जी एक घंटे बाद मैं बहुत पुराना चर्च से आ रहा हूँ, 400 साल पुराना। ये तो ज्यादा ही होना, ये सारा पत्थर है, त्राश त्राश के पत्थर। नहीं बेसिकली वहां से निकाले होंगे ना जो इनके जो माउंट हिली पत्थर होते हैं उनसे। क्यों बनाई हुई ये करते हैं कि ये बर्डों को सेव करते हैं, बर्ड खास किस्म के जो वहाँ से ऊपर से जाते हैं और इसका ये तरह ये इसमें जाके ना इस झुंड में तत्वों में जाते हैं, मतलब समुद्र में उनका एक्सेस ये दिया हुआ है क्रॉस इनको, ये दोनों ऊपर इसलिए बने हुए और काफी देर के बने हुए। अभी के यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पीछे से शुरू हो गया है ये पुल। अभी वो हाइट ये पता नहीं, ये इतना की एरिया है यहाँ से, इसमें कोई मैग्नेट डाला हुआ है कि कशिश है इसमें कुछ है। ये बहुत हाइट पे है और ये एक था वो पिलर, यहाँ से शुरू होता है ये पिलर, एक तो पीछे था ये पिलर है, एक आगे जाके पिलर आए। ये लोग आकर के जा रहे हैं और इसमें एक ही है, वो तो बेब्रिज है ना, डबल है ना, ये सिंगल ही है और आगे जाके देखो फिर क्लियर है, तो इतना की हिस्सा होता है। ये दो जन वहां करके जाते हैं देख लेंगे बस पॉइंट का, ये ओपन ये है तो खड़े ये जी हम विस्टा पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारा व्यूज़ हैं, यहाँ पे गोल्डन गेट ब्रिज का भी व्यू है, अल्कट्राज का भी व्यू है और जो बे एरिया और जो सी का है वहाँ से भी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है।
विक्टा पॉइंट पे ये गोल्डन गेट ब्रिज है उसके पास है और ये विंग पॉइंट है। यहाँ से वो अल्कट्रास प्रिजन का आइलैंड है वो नज़र आता है और ये डाउनटाउन का पूरा है और ये सामने गोल्डन गेट ब्रिज है ये नज़र आता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे यॉट्स का और ये ऐसा बना हुआ है जिस तरह वैली होती है। और यहाँ से अभी तो ये बहुत क्लाउडी है तो नज़र नहीं आ रहा, वरना ये बड़ा वंडरफुल जगह है। और इवनिंग में स्पेशली जो डाउनटाउन की लाइट्स हैं और जो यहाँ पे शिप्स वगैरह होती है तो एक डिफरेंट किस्म की जगह है यहाँ पे। और हवा बड़ी मज़े की है और ये बाबर भाई आ गए हैं, मैं वापस नहीं आ रहा था तो ये दोनों मुझे लेने के लिए आए हैं ताकि जो शुगर डाउन हो गई यार, आखिरी बार है, पता नहीं ये कितनी देर निकालेगी। ऐसे ही काफी कैमरे की बैटरी, ये काफी देर से कोशिश कर वेट कर रहे हैं कि मेरी बैटरियां खत्म हो जा सके। अभी भी चल पड़े तो 3 बजने हमें और 3 बजे मोस्टली रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं तो चले हम बस निकल रहे हैं। चले सही है, ओके जी। यहाँ से जो बर्ड जो जाते हैं ना वो मतलब तो सिर्फ उनके लिए ही है, सिर्फ उनको एक्सेस दिया हो गया आप ये रास्ता है वो लोग को आप वो ड्रीम किया वो देखो आप वो भी क्लियर नजर आ रहा है, वो भी क्लियर नजर आ रहा है, डाउन टाउन भी क्लियर हो गया। आप इधर आए और ये zigzag जाती है, ये San Francisco की वेरी पॉपुलर स्ट्रीट है जी। जो यहाँ सैन फ्रांसिस्को में अगर आए तो ये नहीं देखा तो उसने काफी कुछ मिस कर लिया। मेरी सामने देखे तो जबरदस्त व्यू है सैन फ्रांसिस्को। ये देखो जी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये एक्चुअली टूरिस्ट है वो तो। ये देखो रहायश भी है इधर, ये रहायश है जी इधर, लोगों के गाने हैं ये। ब्रेक का भी ठीक होना चाहिए आपकी, ब्रेक भी ठीक। ओ वहां जाके आपने दोबारा वीडियो बनानी है नीचे जाके, फिर सैन फ्रांसिस्को की वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट, जैसे कि आपको बताया कि ये हिली ज्यादा है यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रीट है zigzag बनी हुई है और इसके अंदर बेसिकली लोग रहते हैं, लेकिन ये ट्रैक है साइड पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप उस पर आ सकते हो और यहाँ पे बीच में से गाड़ियाँ ऐसे zigzag आती हैं, बड़ा ब्यूटीफुल है, फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। और ये यहाँ से देखें वो सामने अल्कट्राज प्रिजन है और वो भी यहाँ से नज़र आता है, और पर्ली साइड के ऊपर जो है ये इनका डाउनटाउन की तरफ भी जा रही है और ये ऊपर से है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि zigzag स्ट्रीट है और बहुत ब्यूटीफुल जो है ना ये एक व्यू है उसका, और ये कंटिन्यू करते हैं आगे तो ये सिंपल है लेकिन बीच में जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये अल्कट्राज प्रिजन है, ये आइलैंड है, ये किसी ज़माने में बड़ा कन्फाइंड प्रिजन होता था जो कि बहुत सीरियस और डेंजरस क्रिमिनल्स होते थे, इनको इधर रखा जाता था और ये बड़ा इधर सिर्फ हिस्ट्री में एक दफ़ा ही इस्केप हुआ है, उसके अलावा कभी भी नहीं इस्केप हुआ इस जगह पे। ये 2-सीटर 3-व्हीलर कार टाइप है, ये गो कार टाइप यहाँ पे टूर्स होते हैं ये उनके साथ है। तो अच्छा ये पूरी करके क्लाइम करके आए थे ऊपर और उन्होंने एयर लिफ्ट मिली थी। अगर
ये देखो ये भी असली है जी, यहाँ की ट्रैम है ये, और बड़ी फेमस ट्रैम है इनकी, ये अभी तक चल रही है। ये टर्की में भी एक इस तक क्लास स्ट्रीट पे है, लेकिन वो इतनी पुरानी नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ टूरिज्म के लिए लगाई हुई है। ये कोई और बिल्डिंग है, मेरे ख्याल चर्च है ये। ये भी कोई बहुत पुरानी लगती है। हाँ जी, बहुत पुरानी लगती है। ये देखिए, चटनी रेस्टोरेंट सामने, इधर सामने इतने कितने शाली मार, आ रेड चिली जेड़े ना कहना आ खाओ। रेड चिली? हाँ आ कहना खाओ। गोगे फिर पार्किंग करे खाली। ये जी हम हैं सैन फ्रांसिस्को में, गेरी स्ट्रीट है, और फिर स्ट्रीट के बीच में ना काफी सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट है। तो मकसूद भाई भी बता रहे हैं कि इनके काफी सारे यहाँ पे जो है वो उधर सैक्रामेंटो से भी बिजनेस है, और ये क्या है? नो पार्किंग इंक्लूडिंग। एक ही है, आ गई है येलो लाइन, नो स्टॉपिंग मंडे टू फ्राइडे। एक ही है 7 to 6, यानी आ गई है। एक्सेप्ट कमर्शियल लोडिंग है 6 बजे के बाद। नहीं साड़ी गाल नहीं बनी, साड़ी दाल नहीं गाते थे? नहीं, उन्होंने लगाई हुई है, पता नहीं क्या। आगे से राइट जा कर फिर हमारे से राइट पे आएंगे। एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे होमलेस जो है, होमलेस है वो भी है, और अच्छा यहाँ पे ज्यादा वही है। ग्रेफिटी स्ट्रीट पे गए थे और वहां से अभी आए हैं लंच, और जो है ये इनका डाउनटाउन टाइप एरिया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, ये इस तरह है, लेकिन ये होमलेस का एरिया है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग के अंदर लगाई है, क्योंकि अभी तक हमें जितने बंदे नज़र आ रहे हैं, बल्कि जिस स्ट्रीट पे गाड़ी खड़ी गई थी तो उधर बहुत सारे शीशे स्मैश हुए हुए थे, जिस तरह फ्रेश शीशा पड़ा होता है। तो ये यहाँ पे खासतौर पर सैन फ्रांसिस्को है, और दो तीन और सिटीज़ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होती है। एनीवेज मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए लाया था कि ये देखें, पकवान रेस्टोरेंट है, सामने स्पोक शॉप है, और यहाँ पे ये जो है ओफेरल स्ट्रीट है और बेरी स्ट्रीट है, उसके बीच में जो है ना ये जॉन स्ट्रीट के ऊपर काफ़ी सारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं, और अभी हमें भी वो रिकमेंडेशन है मकसूद भाई वहाँ पे लेके आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी हलाल इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो अभी किसी की रिकमेंडेशन पे हम आए हैं इधर। हेलो, मोहन भाई आ जाए, आपको भूख नहीं लगी लगता है? भूख लगी हुई थी तो आ जाए, वो फिर आए ऑर्डर कर लिए, जोरों से ज्यादा कर लिया ना। ये बात है बाबर भाई का, बड़ा पेशेंटली बाबर भाई ने जो है ना मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वैली फुल हो गई। आप बताएंगे मकसूद भाई कि हमारा क्या प्लान है? लाल फ्राइड चिकन वाले बहुत पसंद है ना जी। सैक्रामेंटो से इनका सर, अब पहले तो हमने चटनी का उनको उसे बोला, अगर कैसा चटनी नहीं दीजिए, लेकिन चटनी का ना ज्यादा है। नहीं वो ठीक था, वो इट वाज रीजनेबल। 90 साल हो गए ना बड़े, 1933 में ये जो बिल हुआ, वो तो 2013 में मुझे पता मिला था, वो 100 ईयर पे एक्सपायर होना था, लेकिन उन्होंने बिफोर टाइम बना दिया। हाँ
और ये गोल्डन ब्रिज का देखो वो आपका 1933 जी ये हो गया बे ब्रिज तो गोल्डन ब्रिज देखो वो का किसी साथ वो इससे पहले बना होगा मेरा ख्याल है क्योंकि वो आपके मेरे ख्याल टायर्स इधर से आते हैं इधर से जाते हैं ये तो है ना ओकलैंड इसे ये साथ वाला शहर ओकलैंड है ओकलैंड पोर्ट ये वो 1937 वो बाद में बना ये अच्छा 50 साल बाद में बना अच्छा हालांकि इस पे ज्यादा उन्होंने कहीं किया हुआ है जो मुझे लगता है कि ये लेट ये बना के 1933 में खोल दिया था खोल दे सारी वो बनाना शुरू कर दिया अच्छा वो फिर 1933 जनवरी में स्टार्ट किया और वो 5-4 साल में बने 37 में जाके ऐसे लग रहा है कि अभी अभी नया बनाया था सर होंगे तो हमारे एक दो दफा गिर जाना था अभी तक रिपेयर उसकी मांग रही थी सर तो ये रावी से बढ़िया है अभी तो इंडिया में भी ऐसे ही है उनका वो मुझे पिछले दिनों एक इंडियन मुझे दिखा रहा था कि तो उन्होंने पुल बनाया थोड़ा सा ब्रिज पे वो दो दफा बनाया दो दफा गिर गया दूसरी दफा भी गिर गया तो लेकिन इधर इन्होंने कुछ लगाया हुआ है मेरा ख्याल अच्छा चावल ये इधर से पीछे से काट देते हैं स्पेशली एक चीज देखी है कि जितने भी यहाँ फॉर्म हैं वो बहुत बड़े हैं और उनके जो जिस तरह भी वेजिटेबल मार्केट के अंदर हम गए थे जो इनकी मंडी थी उसके अंदर भी देखे फ्रेश फ्रूट्स हर तरह के तो जो भी यहाँ पे काश्तकारी हो रही है वो बहुत मैसिव जो उसमें नंबर्स में हो रही है और उसकी जो ज़ाहरी बात है जो शील्ड है वो भी उसी तरह होती है तो ये बेसिकली यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये मेरा ख्याल है सनफ्लावर लगा हुआ और साथ इसके कॉर्न लगा हुआ है ये देखें जैसे सामने ये सनफ्लावर लगा हुआ है और ये कितना मतलब वो पीछे तक आप देखें तो यही लगा हुआ है तो इधर हर जगह पे ऐसे है बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं और आपको जो है वो मतलब जो भी एक चीज़ लगी हुई जैसे यहाँ पे ज़्यादा अखरोट हैं और नहीं बादाम है और उसके बाद कॉर्न लगी हुई थी और हमने टमाटो भी बहुत है यहाँ पे तो वो मैसे भी थी जो है ना फार्मिंग है ये देखिए ये तो खेत है तो जो आ गया जी वो सारा पीट जो है ना ये टमाटो का है वो आ गया ठीक आगे बताइए अच्छा ये हाँ जी वो काफी दूर तक है बिल्कुल टमाटो ये यहाँ से लेके तो हाँ जी वो किधर तक है कहीं मरबे हम वापस पहुंच गए हैं सैक्रामेंटो और मकसूद भाई ने बड़ा अमेजिंग ट्रिप था बहुत मज़ा आया हमें हमने गोल्डन ब्रिज देखा है उसके बाद बे ब्रिज भी देखा है और गोल्ड वो दूसरा भी देखा था लेकिन वो धुंधला था कैमरे ने ज़्यादा देखा है आई डोंट नो कि उसने कोई फुटेज बनाई है पर यह है कि हमने डाउन टाउन भी देखा था और खाना बहुत मज़े का था उसके बाद मैं सोया भी हूँ तो ये बार रहे थे तो उसके बाद ये है कि थोड़ी सी मैंने ट्रक ड्राइविंग भी की है सोते हुए तो वो बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो ऑल ओवर बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह फिर अगर देखते हैं अभी शाम को देसी बैठक के अंदर अगर मुलाकात होती है अंकल की तो साथ तो फिर वहाँ पर भी आ रहा हूँ चलें थैंक यू सो मच